हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बीएससी माइक्रोबायोलॉजी या फिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या फिर बीएससी इन एनी अदर लाइफ साइंसेस सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप कौन से डिप्लोमा कोर्सेस या फिर कौन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेस कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। और आज के वीडियो में जो कोर्सेज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, चाहे वो डिप्लोमा कोर्सेस हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेस हो, ये ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेस है। और जो ओपन यूनिवर्सिटी है, इस ओपन यूनिवर्सिटी का नाम है, जो आप सभी को पता होगा, और वो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली। सो दिस इज द ओपन यूनिवर्सिटी एंड जो ग्रेड है नैक का इस यूनिवर्सिटी का, वो A++ ग्रेड है। और जो भी कोर्सेज आप अगर यहाँ पे करोगे तो इस कोर्सेज को वैलिड मतलब हो जाते हैं, चाहे वो इस ओपन यूनिवर्सिटी का क्यों ना हो। तो ये अच्छे कोर्सेस है और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्सेज डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमास, सो दैट विल बी एड ऑन कोर्सेज टू योर रेगुलर MSc माइक्रोबायोलॉजी, MSc बायोटेक्नोलॉजी और MSc इन एनी अदर लाइफ साइंसेज सब्जेक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि जब आप अगर आपने इस डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज को एडमिशन लिया तो आप वहाँ पे MSc नहीं कर सकते, तो बिल्कुल आप MSc कर सकते हो। तो इसीलिए साइमल्टेनियसली आपका MSc माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और अदर लाइफ साइंसेज सब्जेक्ट में भी हो जाएगा, और उसी के साथ आपकी ये जो डिप्लोमा कोर्सेस है और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेस है, वो भी कोर्सेस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस कोर्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले नोटिफिकेशन या अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो पहला जो कोर्सेस है यहाँ पे डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेस, वो है, इस डिप्लोमा कोर्सेस का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, और शॉर्ट में इसे बोलते हैं PGDFSQM। ये स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का कोर्स है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से ये कोर्स रन किया जाता है। इसका मतलब ओपन यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी के कोर्सेस वैलिड नहीं है। तो जो भी कोर्सेस इस यूनिवर्सिटी के अंडर रन किए जाते हैं अलग अलग सेंटर पे इंडिया में, ये सब कोर्सेस वैलिड है। तो ये जो कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, इस कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये ऑब्जेक्टिव्स है टू प्रिपेयर प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑडिटिंग ऑफ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स इन द कंट्री। क्योंकि आप सभी को पता है, अगर फूड सेफ्टी वहां पे मेंटेन नहीं की जाती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स कंज्यूमर को आ सकते हैं, चाहे वो फूडबॉर्न डिसीजेस हो, चाहे वो इकोनॉमिकल लॉस हो, तो ये अलग अलग प्रॉब्लम्स वहां पे आ सकते हैं। इसीलिए फूड सेफ्टी और क्वालिटी मैनेजमेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट को नजर में रख के ये कोर्स वहां पे डेवलप किया गया है, एंड दैट इज डेवलप्ड बाय इन कोलेबोरेशन विथ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज APEDA, विच इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट कोर्स ईयर। और इसके अंडर जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंडर जो पॉइंट्स आते हैं, वो है कॉम्प्रेंड द इश्यू ऑफ सेफ्टी एंड क्वालिटी इन फूड प्रोडक्शन, हैंडलिंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रेड। उसके बाद टू बिल्ड अ टेक्निकल प्रोफिशियंसी इन अंडरटेकिंग फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन फूड प्रोसेसिंग चेन, देन टू इंश्योर द सेफ्टी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एज पर मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट रेगुलेशंस, और टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट गुड हाइजेनिक प्रैक्टिसेस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट और HACCP, देन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज FSMS ISO 22000, लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज ISO 17025 एंड रिटेल स्टैंडर्ड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी पर्टिकुलर फूड इंडस्ट्री में क्वालिटी का
क्वेश्चन वहां पे आता है तो ये सब पॉइंट वहां पे इंपॉर्टेंट है एंड दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन दैट पर्टिकुलर फूड इंडस्ट्री. सो दैट्स वाई दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज कंसिडर्ड हियर. देन अप्लाई गुड हाइजेनिक मैन्युफैक्चरिंग लेबोरेटरी ट्रांसपोर्टेशन एंड रिटेल प्रैक्टिसेस इन फूड प्रोसेसिंग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड रिटेल आउटलेट्स. तो ये कुछ आउटपुट्स और ऑब्जेक्टिव्स है इस कोर्स के. उसके बाद जो एलिजिबिलिटी है, मतलब कौन से कैंडिडेट इस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स को एडमिशन ले सकते हैं, तो ग्रेजुएशन इन साइंस विद केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन. देन सेकंड क्वालिफिकेशन जो है अलाइड साइंस, जैसे कि एग्रीकल्चर है, फूड साइंस है, फूड टेक्नोलॉजी है, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, देन होम साइंस है, लाइफ साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, वेटरनरी, फिशरीज, देन होटल मैनेजमेंट, देन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट. ये ग्रेजुएशन के ये भी कैंडिडेट्स वहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं. उसके बाद साइंस ग्रेजुएट्स इन जैसे कि जियोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, मतलब नॉन लाइफ साइंसेस हम कह सकते हैं, तो ये भी इस कोर्स को एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उनको एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज में. उसके बाद आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं जिनका डिप्लोमा इन फूड साइंस या होटल मैनेजमेंट हुआ है. फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डेयरी टेक्नोलॉजी, मीट टेक्नोलॉजी, पल्स एंड ऑयल सीड्स, और जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस है फूड प्रोसेसिंग में, फूड क्वालिटी कंट्रोल में या होटल मैनेजमेंट में. और तो ये भी कैंडिडेट्स वहाँ पे इस कोर्स को एडमिशन ले सकते हैं. और बीए बीकॉम ग्रेजुएट्स विथ मिनिमम 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फूड प्रोसेसिंग, फूड क्वालिटी कंट्रोल और होटल मैनेजमेंट, तो ये भी कैंडिडेट वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं. इस कोर्स का जो मीडियम है वो इंग्लिश का रहेगा और ड्यूरेशन जो है इस कोर्स का ये मिनिमम 1 ईयर है एंड मैक्सिमम 3 ईयर्स. मतलब इस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स को एडमिशन लेने के बाद कम से कम 1 साल में आप ये डिप्लोमा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, या फिर मैक्सिमम आप 3 साल में इस कोर्स को वहां पे कंप्लीट कर सकते हो. और दिस कोर्स इट इज ऑफर्ड इन जुलाई साइकिल ऑफ द एडमिशन ऑफ दैट इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. जो फीस है कोर्स की वो है 14,400 रुपीज फुल प्रोग्राम की. और जो कोर्स कंटेंट है, प्रोग्राम डिटेल्स है, ये अलग अलग पेपर्स है कोर्सेस है इसके अंडर, जो कि फूड फंडामेंटल्स एंड केमिस्ट्री, उसके बाद फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स, देन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑडिटिंग प्रैक्टिकल सेशन है, केमिकल एनालिसिस एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ये भी प्रैक्टिकल एनालिसिस है, और एक वहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क है. तो टोटल थ्योरी के जो क्रेडिट्स है वो 18 क्रेडिट्स है एंड प्रैक्टिकल के जो क्रेडिट है वो 14 क्रेडिट है. इसका मतलब नियर अबाउट 50% कोर्स इट इज डिपेंड ऑन प्रैक्टिकल्स. और टोटल क्रेडिट जो है इस कोर्स के वो 32 क्रेडिट्स है. तो ये हो गए डिटेल्स इस कोर्स के बारे में. एंड अगर आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ दिस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स आपको जॉब कहाँ कहाँ पे मिल सकता है, तो ये क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर और क्वालिटी एश्योरेंस, ये प्लस पॉइंट हो जाएगा जब आप बीएससी एमएससी के बाद क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर क्वालिटी एश्योरेंस को फूड इंडस्ट्री में अप्लाई करोगे. तो अगर ये कोर्स आपके पास है तो डेफिनेटली यू विल गेट एडवांटेज ऑफ दिस कोर्स. या फिर आप फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोफेशनल में भी अप्लाई कर सकते हो, हॉस्पिटैलिटी में, रिटेल इंडस्ट्री और लेबोरेटरीज में. उसके बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर्स इन रेगुलेटरी बॉडीज, फूड ऑडिटर इन सर्टिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन बॉडीज, देन ट्रेनर काउंसलर इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स, देन फूड सर्टिफाइंग ऑडिटिंग प्रोफेशनल फॉर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स. तो यहाँ पे भी मतलब इस सभी फील्ड में आपको वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, स्कोप है. और इस कोर्स को अगर आपको एडमिशन लेना है तो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के साथ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, प्रोफेसर एम के सलूजा, ये उनका मेल आई डी है और यहाँ पे ये दिल्ली का कॉन्टेक्ट नंबर दिया है. तो ये हो गया एक कोर्स के बारे में. दूसरा कोर्स यहाँ पे है डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और शॉर्ट फॉर्म इसे कहते हैं DVAPFV. ये भी स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर कोर्स आता है. और आप सभी को पता है कि अगर आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ट्रांसपोर्टेशन में अगर जल्दी हो गया तो वो मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं,
और वो फार्मर और वो प्रोड्यूसर ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वहां पे बेच सकते हैं। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ रीजंस की वजह से ये सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट में नहीं जा रहे, तो डेफिनेटली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का लॉस वहां पे हो सकता है। तो इसी को नजर रखते हुए इग्नो ने ये कोर्स डेवलप किया है, ताकि ये कोर्स करने के बाद ये जो कैंडिडेट्स है वह अलग अलग इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में वहां पे जॉब करेंगे और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो फूड प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट्स में बनाने में हेल्प करेंगे। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कोर्स का। जो पर्सपेक्टिव जॉब अपॉर्चुनिटीज है, मतलब जॉब आपको कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं, तो दैट मे बी इन प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रेडर, देन सप्लाई चेन फील्ड असिस्टेंट, पैक हाउस वर्कर, देन वेयर हाउस वर्कर्स, कोल्ड स्टोर कीपर। तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज है जहाँ पे ये कोर्स करने के बाद आपको चांस मिल सकता है, आपको जॉब मिल सकती है। तो ये एक एड ऑन कोर्स, ये भी एड ऑन कोर्स आपको हो सकता है। इस कोर्स को एडमिशन लेने के बाद आपका रेगुलर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी या फिर एमएससी और पीजी आप कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स है कोर्स के, टू प्रोवाइड द नॉलेज एंड स्किल्स फॉर मिनिमाइजिंग द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड फूड प्रोडक्ट्स, टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड फॉर प्राइमरी प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू प्रोड्यूस एट द प्रोडक्शन एरियाज और क्लस्टर्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप यूथ एज अ यंग एंटरप्रेनर्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू फूड प्रोसेसिंग एंड एसोसिएटेड एक्टिविटीज एंड टू इम्पोर्ट नॉलेज एंड टेक्निकल प्रोफिशिएंसी इन प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस इन फ्रेश एंड प्रोसेस हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, मार्केटिंग एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स एंड मैनेजिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो एलिजिबिलिटी है इट कोर्स की वो है 10+2 की, मतलब 12th के बाद और बीएससी के बाद भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, लेकिन इसको जो एलिजिबिलिटी है मिनिमम वो 10+2 है। मीडियम जो है इंस्ट्रक्शंस का इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब ये दोनों लैंग्वेज में ये कोर्स अवेलेबल है। ड्यूरेशन जो है कोर्स का वो मिनिमम 1 ईयर का है और मैक्सिमम आप 3 ईयर्स में ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। एंड दिस कोर्स इज ऑल्सो ऑफर्ड ओनली इन जुलाई साइकिल ऑफ एडमिशन। और जो फीस है इस कोर्स की वो है 12,700, दैट इज फॉर फुल प्रोग्राम। प्रोग्राम डिटेल्स जो है, जो कोर्सेस है या जो पेपर्स है इसके अंडर इस कोर्स में, वो है फूड फंडामेंटल्स, देन प्रिंसिपल्स ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फूड केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग एंड इंजीनियरिंग 1, देन फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग एंड इंजीनियरिंग 2, फूड क्वालिटी टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन एंड एंटरप्रेनरशिप एंड मार्केटिंग। तो ये इस प्रोग्राम डिटेल्स है, जो कि टोटल क्रेडिट्स जो है इस कोर्स के वो 32 क्रेडिट्स है, जिसमें से 50% प्रैक्टिकल क्रेडिट्स के हैं एंड 50% थ्योरी के क्रेडिट्स है। तो बहुत अच्छा कोर्स है ये भी। और जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है प्रोफेसर एम के सलूजा, ये मेल आईडी एंड दिस इज कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद है डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी और DDT, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का ये कोर्स है। डेयरी और मिल्क प्रोडक्शन भी वहाँ पे इंडिया में बहुत हो रहा है, और अगर इस मिल्क को हम कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स में, मिल्क प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकेंगे तो वहाँ पे इम्पोर्ट भी हो जाएगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी वहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी। और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ दिस कोर्स, तो ये अलग अलग सेक्रेटरी ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी वहाँ पे जॉब मिल सकती है, मिल्क प्रोक्योरमेंट सुपरवाइजर, मिल्क टेस्टर, देन डेयरी प्लांट ऑपरेटर, टेक्नीशियन और सुपरवाइजर, प्रोडक्ट टेक्नीशियन, दैट मे बी डेयरी प्रोडक्ट्स, दैट इज आइसक्रीम, चीज, बटर और इंडिजिनस डेयरी प्रोडक्ट्स यूनिट, देन डेयरी असिस्टेंट, चिलिंग सेंटर सुपरवाइजर, क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट, पैकेजिंग असिस्टेंट, मार्केटिंग असिस्टेंट, ये सब जॉब अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव जो है इस कोर्स के वो है टू डेवलप टेक्नीशियन लेवल ह्यूमन रिसोर्स फॉर दी डेयरी इंडस्ट्री, देन अपग्रेड द टेक्निकल प्रोफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कर देन सेंड लोअर लेवल टेक्नीशियंस वर्किंग इन द डेयरी एंड अलाइड सेक्टर्स। क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियंस या फिर वर्कर्स है डेयरी इंडस्ट्री में जो एक्चुअली जॉब कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई डिप्लोमा नहीं रहता है या फिर कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं रहता है। तो ये इम्प्रूव करने के लिए, ये प्रोफिशिएंसी उनकी बढ़ाने के लिए ये कोर्स उनको फायदेमंद रहेगा। और अगर ये कोर्स उनका हो जाएगा तो उनकी सैलरी भी वहां पे बढ़ सकती है।
to develop skilled young entrepreneurs for self-employment in milk processing and associated activities, AB एक objective है, and to impart knowledge and technical proficiency in clean milk production and handling, processing milk, then manufacture of western and indigenous dairy products, testing and quality control of milk and milk products, then marketing and economical aspects, that is managing small and medium entrepreneurs. जो eligibility है इस कोर्स को वो है 10 plus 2 और इट्स इक्विवेलेंट. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु. ड्यूरेशन जो है कोर्स का वो मिनिमम 1 ईयर का है एंड मैक्सिमम 3 ईयर्स का है. ऑफर्ड ओनली इन जुलाई साइकिल ऑफ एडमिशन. और जो फीस है इस कोर्स की वो है 15,200. ये हो गया डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में. और ये प्रोग्राम डिटेल्स है, मतलब इस कोर्स में क्या क्या इंक्लूड है. वहाँ पे है मिल्क प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क, डेयरी इक्विपमेंट एंड यूटिलिटीज, देन मिल्क प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स 1, डेयरी प्रोडक्ट्स 2, डेयरी प्रोडक्ट्स 3, देन क्वालिटी एश्योरेंस एंड डेयरी मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. फ्रेंड्स, अगर ये प्रोग्राम डिटेल्स आप देखोगे तो ये 1 साल का कोर्स है, लेकिन बहुत सारा इस कोर्स में इंक्लूड किया है जो जॉब मिलने में बहुत सहायकारक रहेगा या फिर हेल्पिंग रहेगा. यहाँ पे भी टोटल क्रेडिट जो है वो 32 क्रेडिट्स है, उसमें से प्रैक्टिकल के 16 क्रेडिट्स है और थ्योरी के 16 क्रेडिट्स है. और ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर M.K. सलूजा, ये मेल आईडी दिया है यहाँ पे और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया है, लैंडलाइन नंबर. उसके बाद का जो कोर्स है वो है डिप्लोमा इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन. तो ये भी एक डिसीज रिलेटेड कोर्स है. आप सभी को पता है HIV वाले को बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस करने पड़ते हैं, तो इसीलिए उस पर्टिकुलर फैमिली में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए कोर्स के बारे में तो वो भी इम्पोर्टेंट रहेगी. इसीलिए ऐसे कुछ पर्संस की या फिर स्टाफ की ज़रूरत रहती है हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिनकी सहायता से ये जो पर्संस HIV से सफ़र हो रहे या जो फैमिली सफ़र हुई है उनको कुछ ना कुछ वहाँ पे एनकरेज कर सके. तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है कोर्स का. जो एलिजिबिलिटी है कोर्स के लिए वो 10+2 और 8 इक्विवेलेंट. मीडियम जो है कोर्स का वो इंग्लिश एंड हिंदी का है. ड्यूरेशन मिनिमम 1 ईयर एंड मैक्सिमम 3 ईयर्स. एंड दिस कोर्स इज ऑफर्ड इन बोथ जनवरी एज वेल एज जुलाई साइकिल ऑफ एडमिशन. और जो फीस है कोर्स की वो है 1,500 फॉर फुल प्रोग्राम. और जो डिटेल्स है कोर्स के वो है बेसिक्स ऑफ HIV/AIDS 4 क्रेडिट्स है, देन इलेक्टिव ऑन HIV/AIDS 4 क्रेडिट्स, बेसिक्स ऑफ फैमिली एजुकेशन 4 क्रेडिट्स, इलेक्टिव ऑन फैमिली एजुकेशन 4 क्रेडिट्स, देन अल्कोहल ड्रग्स एंड HIV 4 क्रेडिट्स, एंड कम्युनिकेशन एंड काउंसिलिंग इन HIV. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड इट इज़ फॉर 4 क्रेडिट्स. जो टोटल क्रेडिट्स है इट्स डिप्लोमा कोर्स के वो है 24 क्रेडिट्स. और जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है वो है डॉक्टर G. महेश. और यहाँ पे इनका मेल आईडी है और ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स, ये अलग अलग कोर्सेस हो गए जो कि आप MSc माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस करते करते आप ये कोर्स भी कर सकते हैं और आपका MSc भी वहाँ पे रेगुलर हो जाता है. लेकिन जब आप जॉब ढूंढने लगोगे तो डेफिनेटली ये जो आप डिप्लोमा कोर्सेस करोगे इसका फायदा आपको हो जाएगा. तो अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. थैंक यू.